एंड चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं साथ में वो करना छोड़ दीजिए, बस फोन को सामने रखिए और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मनिंदर बुट्टर का। स्वागत टू हैप्पी आवर्स। हाउ यू डूइंग मनिंदर? बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच गाना की सारी हैप्पी आवर्स की टीम का। अरे सर, आपको देख के वैसे ही हैप्पी हो तो मतलब और क्या चाह सकते हैं हम। अच्छा, इस वक्त जो है दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही हैं, जैसे एक शब्द मेरे दिमाग में घूम रहा है मिलियंस, कि आप तो मिलियंस के नीचे बात ही नहीं करते। कोई भी गाना आता है वो मतलब मिलियन तो हो ही जाता है, पैसा और व्यू है ना, दोनों मिलियंस में होना चाहिए। ये हुई ना बात। महिंदर, इसके पहले कि और म्यूजिकल गपशप करें, भाई ये भी कहना चाहूंगा कि आपका नया गाना जो है मेरा रंग, वो अपना रंग जो है कई जगह छोड़ रहा है। हाँ जी सर। और इसमें डॉक्टर ज़ूस, मतलब हम मतलब 2000 के शुरुआत में डॉक्टर ज़ूस के गाने हम मतलब रेडियो पे सुनते थे, सब फैन है, सब फैन है। तो उस टाइम के जब वो हुडी पहन के आते थे और ऐसे कार के बाहर से अपनी सीडी देते थे, सो बड़ी तमन्ना थी सर उनके साथ काम करने की बहुत टाइम से। बड़ी इच्छा हो रही है जब आप भी सामने बैठे हो और गाने की बात चल रही है और डॉक्टर ज़ूस के ट्यून्स की भी बात चल रही है, तो क्यों ना जो मिलियंस वाला ये जो आपका नया गाना है मेरा रंग, उसी के रंग में आप गाना हैप्पी आवर्स में घोल दो। मतलब जरूर सर। मेरा रंग मिले ना यो दे पैरा ना, जिवे पिंड नहीं मिलदे शहरा ना। मेरा रंग मिले ना ओदे पैरा नाल, जिवे पिंड नहीं मिलदे शहरा नाल। अज सवेरे सवेरे ओनू मिलके आएं, इश्क लग के आ गया टैरा ना। मेरा रंग मिले ना ओदे पैरा ना। मन नहीं भरा यार। मासूम जा चेहरा है ओदे काले बाल जिवे बदलां दा पैरा है। पहली बार मैं वेख्या यारो लखां चो, रब भी नेड़े दिसिया पूरियां अखां चो। हुण दिल नहीं मिलने गहरा ना, मेरा रंग मिले ना ओदे पैरा ना, जिवे पिंड नी मिलदे शहरा ना। लाजवाब लाजवाब। सो मेरा रंग पूरा सुनने के लिए आप गाना को स्ट्रीम करें और उस पे जाके मेरे सारे गाने सुने, ये भी सुने और पुराने भी सुने। ये हुई ना बात। पहले मुझे एक बात समझाओ, आपकी आवाज मतलब चाहे वो कोई भी गाना आप गा रहे हो, एक रोमांस का एक अलग एक एक्स्ट्रा निचोड़ है, इसका राज क्या है? टिंडे कद्दू लौकी, क्या चक्कर क्या है इसका? कोई राज नहीं है सर, कभी सोचा ही नहीं आर्टिस्ट बनने के बिना, कुछ और सोचा नहीं, मैं सीखा भी नहीं हूँ, मैं तो बस गाने सुनता और गाता रहता था। मुझे लगता है जो कंपोज खुद करता है वो खुद ही अच्छा गाने लग जाता है धीरे धीरे, तो आर्टिस्ट बनने के बिना कभी लाइफ में कुछ और नहीं सोचा। सो मैं कभी कभी जब बाकी आर्टिस्टों के साथ बैठता हूँ ना, उसने ये गाड़ी ले ली, ये पैसा आ गया हमारे पास, ये आ रहा है, आज सब कुछ रहा है, पर पहली खुशी ये है कि जो मैंने सोचा वो कर लिया, सबसे बड़ी बात यह है। 90% लोग सोचते कुछ हो रहे हैं और उसका नतीजा कुछ और निकल जाता है, डेस्टिनी कहीं से कहीं ले जाती है। तो मेरे को यही खुशी है कि जो मैंने सोचा था यार वो ही कर रहा हूँ, पैसे कम आए ज़्यादा आए मेरे को कोई मतलब नहीं है, अब जितने पैसे आ रहे हैं और उससे अगर मैं आधे से आधे भी कर दूँ उसमें भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं पार्टी बॉय है ही नहीं हूँ, मैं चुपचाप बैठने वाला हूँ कहीं पे साइड पे जाके। सो पहले से ही मेरे सवाल का जवाब दे दिया, मैं बोलने वाला था कि मुझे देख के ऐसा क्यों लगता है कि आप पार्टी भी कर लेते हो, मतलब बिल्कुल। मैं आज तक क्लब में अगर गया हूँ ना तो पैसे लेके गया हूँ, लाइफ में कभी फ्री में गया ही नहीं हूँ, वो भी चल अच्छे दिन आए हैं शो कर रहे हैं, मतलब पार्टी करने तो गया ही नहीं ना कभी क्लब में, हाँ पार्टी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में कल्चर है पार्टी कल्चर है क्लब का, कभी ऐसे नहीं गया। पर अब तो शायद कोई पार्टी ऐसा हो जिसमें आपके गाने ना बजे। भगवान की है सर सारी कुछ, उसने किया सारा कुछ, हम तो बना ही जा रहे हैं, पता ही नहीं हमें भी। मैं सच बात बताऊँ ना सर, आप सारे अभी पंजाबी म्यूजिक इतना ग्रो हुआ है पर फिर भी हमारी लाइन ना थोड़ी सी जुआ है। आप सोचो ना, सखियाँ गाना मुझे इतना पसंद ही नहीं था जो जिससे मेरी जिंदगी चेंज कर दी, तो हमें खुद को नहीं पता होता कि कौन सा गाना बड़ा निकलेगा कौन सा नहीं चलेगा, ये जुआ है जो कभी कभी ऐसे गाने बड़े बन जाते हैं जिनका कभी सोचा नहीं होता, पर इतिहास यही कहता है कि वही गाने बड़े बने जिनको कोई भी नहीं पसंद करता।
मैं कई जगह देख रहा था, ऑनलाइन भी देख रहा था, कि आपके सरनेम के स्पेलिंग के साथ बड़ा ही मतलब खिलवाड़ होता है। तो मुझे पहले लगा कि आप भी मतलब इंडिया के बटर हैं, मनिंदर बटर, BUTTER, तो चक्कर क्या है, BUTTER बटर, मखमली आवाज, मक्खन वाली आवाज तो है। तो नहीं नहीं, वैसे तो सरनेम में ए आता है, पर ज्यादातर लोग ई लिख देते हैं, लिख देते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे गांव में भी जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ होती है ना, वो पेंटर के पास जाते हैं कि बटर लिख दे यार, बटर फार्म लिख दो, जैसे ऐसे लिखाने जाते हैं। उनके पीछे भी मैंने कई बार ट्राली पे बटर फार्म लिखा देखा। तो मैं उन पे बोलता हूँ यार तुम तो ये लिखो। क्या करें, मक्खन अभी टाइम लग रहा है, मैं कर दूंगा थोड़े टाइम में, ये शिफ्ट हो जाएगा। जब बार बार दिखता रहूंगा तो शायद ये हो जाए। लॉकेट में ए है, वो मैंने देख लिया। लॉकेट में अब क्या कर सकते हैं ना, देखियो बात जब पंजाब हरियाणा की होती है ना, तो मतलब बेस्ट बटर तो यहीं से ही आया है। ये दोनों चीज मेरी मम्मी ने दी है, ये भी। अरे वाह, दोनों, ये तो मम्मी की है, मैंने पहन ली थी, और ये हर बार ना मेरे को बर्थडे पे चेन मिलती है। क्या बात है। अच्छा, कुछ सवाल हैं जो आपके जितने तमाम फैंस हैं गाना पे, तो उन्होंने कुछ भेजे हैं, तो हमने सोचा कि वो भी जरा शूट किया जाए आपकी तरफ। सर, जरूर। और आप देखिए उनको, स्टेडियम के बाहर आप मार सकते हैं या गिल्ली आपकी उड़ने वाली है, वो आपके ऊपर है, जो मर्जी हो सर आप बोलेंगे। अच्छा सर, सच बताओ कि कभी पीछे मुड़ के देखा है, कभी हिसाब रखा है कि कितनों का दिल तोड़ा है? नहीं, मेरा ज्यादा टूटा है सर, सच बात बताओ। बताओ कहानी बताओ। मेरा ज्यादा टूटा है, मतलब मैंने कभी भी लाइफ में, मैं सच्ची बात बताऊंगा, रिलेशनशिप में भी रहे हैं बहुत, पर कभी किसी को लारेबाजी नहीं की सर। गाना मेरा जरूर ला रहा है, क्लियर रहूं लाइफ में, क्लियर। अगर आप दूर है तो दूर अच्छे हैं, अगर पास हैं तो ये है, मतलब क्लियर रहूं लाइफ में। कभी किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया कि बंदा बैठ के सोचे कि यार ये बंदे ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। सो थोड़ा सा लॉयल बंदा हूं, जब किसी एक का तो एक का ही रहूंगा, मतलब ये नहीं है कि इधर से भी यहाँ पे भी थोड़ा सा लॉयल हूं सर। मैं कह रहा हूँ आज ना रिश्तों के ना आज बाढ़ आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आप देख के मुझे बाद में बता देना। अच्छा, शुरुआती आप तो मतलब लिटरली जैसे कहते हैं ना, आपने बचपन से आपने सोच के रखा था कि मुझे गाना गाना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे सिंगर बनना है। तब से जब क्लास में बोलते ना कि सारे मेरे साथ वाले बोलते थे आप बिकम ए डॉक्टर, आप बिकम ए इंजीनियर, तो मैं तब भी बोलता था आर्टिस्ट, हालांकि तब इतना बड़ा ऑरा नहीं था हमारे पंजाबी म्यूजिक का या आर्टिस्टों का, तब भी आर्टिस्ट सोचा था। उस वक्त याद है उस वक्त किसको सुनते थे? सर सबको सुनता था, अमरिंदर गिल पाजी को बहुत सुनता था, बबूमान पाजी को बहुत सुनता था, सारे आर्टिस्टों को सुनते थे यार, कोई ऐसा ही नहीं है, पर अमरिंदर गिल पाजी को बहुत सुनता और गाता था तब। और ये जो इतने सारे जो मिलियन व्यूज आते हैं गाने में, मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 40 मिलियन व्यूज आ गए, उसके पीछे कितने जीरोस लगते हैं, कभी वो बैठ के गिने हैं? हाँ, वो तो सर हर आर्टिस्ट गिनता है, हर किसी को पता चलता है कितने हो गए कितने, पर मैं थोड़े टाइम के लिए छोड़ देता हूँ सर गाना, मतलब पहले 10-15 दिन देख के उसके बाद छोड़ देता हूँ, उसके बाद 50-60 के बाद ही देखे यार, पहले नहीं देखना ये, सच्ची मैं ऐसा हूँ, मैं देखना छोड़ देता हूँ कि नहीं अब बाद में देखूंगा, अब ठीक है पहले 5-6 दिन अच्छे से देखा, न्यूज़ कमेंट करके देखे, मैं छोड़ देता हूँ सर, जो होना होगा। सही। अच्छा, वेब 2 या 3 इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिनके साथ मतलब आज की डेट में आप काम करने के लिए बिल्कुल मतलब उत्सुक हो? सर एक माइक पोजनर करके आर्टिस्ट है, उसको सुनना मेरा बहुत फेवरेट है, उनके साथ मेरी बात भी हुई, उनका मैसेज भी आया, सो मेरे को अच्छा लगा, बहुत सुना सर उनको। और माइक पोजनर है, और एडसिरिन सर होगा, एडसिरिन तो होगा, वही ये 2-3 हैं जिनके साथ काम करना चाहता हूँ सर। क्या बात है। अच्छा, हालांकि अभी तक बातों से तो मुझे काफ़ी कुछ समझ में आ गया, पर मैं आपकी ज़ुबान से ही सुनना चाहता हूँ, मनिंदर बुट्टर, गुड बॉय बैड बॉय? गुड बॉय सर, बैड बॉय वाले काम ही नहीं है, कैमरे पे हूँ सर, वो दिख रहा है, मैं बैड बॉय वाले काम ही नहीं है। नहीं, ये बात तो है, तो मतलब अच्छा, 3 गाने जो आपने रिसेंटली अभी अपने प्लेलिस्ट पे डाले हो, यार ये वाले बड़े अच्छे हैं गाने, मुझे सुनने हैं। मैं फोन में देख के बता, एक तो सर मेरा रंग ही डाला, देखो क्या बात है, नया डाउनलोड किया था तो। और सर एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है डैनी जी, अली जफर के भाई, तो उनका उड़ चलिए गाना सुन रहा हूँ, और एक पार्ट डाउनलोड किया, पार्ट सुनता हूँ मैं प्लेन में बैठा कभी कभी। सही। ऑनलाइन डेटिंग का तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑनलाइन डेटिंग में आपका बायो क्या होगा? सर करने का मौके नहीं मिला यार, कभी कभी सोचता हूँ मैंने कहा यार ये जो चलते हैं ना राइट लेफ्ट स्वाइप वाले, मैंने कहा यार ये यूज करने का मौका नहीं मिला, आर्टिस्ट बन गया। अब मान लो मैं फोटो लगा लो, बंदे सोचेंगे तो यार फेक है यार, फोटो लगा के घूम रहा है ना, मतलब ये करने का मौका नहीं मिला, ये चीज़ हमारी लाइफ से गायब होगी सच्ची में। मतलब मेरे साथ पहले कभी कभी आप ऐसी जगह में जाते हैं ना जहाँ पे यार वो चलाते हैं, तो हम तो चला ही नहीं ना सकते कहीं।
और अब इसके बाद चलाने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि आपने जो जो बोला शादी वादी का सीन, मुझे मैं तो कह रहा हूं वो भी एक फन होता ना लाइफ में, ये तो है, सारे लोग करते हैं, तो मतलब वो चीज मिस हो गई हमारी लाइफ। अरे अरे चलो टाइम अभी भी ऐसा, नेवर से नेवर। अच्छा अब थोड़ा सा वापस म्यूजिक की तरफ चलते हैं, मतलब आप साथ में हो और गाना ना हो, तो अब वो वाले गाने की बात करें जो आपने बनाया और आपको पसंद नहीं आया, सखी मगर सबको बहुत जबरदस्त पसंद आया और मिलियंस 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 लाइक आई एम से। बाद में नहीं, बाद में तो चल धीरे धीरे पसंद आने लगता, पर पहले ये नहीं लगता था कि ये बहुत बड़ा गाना है, ये मेरी जिंदगी चेंज करेगा, ये नहीं पता था। वो आज भी नहीं पता कि इससे बाद वाली जिंदगी कौन सा गाना चेंज करेगा, बने तो बहुत पड़े होते हैं फोन में गाने, सखियां गाते हैं सर, सखियां करते हैं सर। सखियां ने मैनू मेड़े मार दिया, बुढ़िया ने चन्ना गल्ला प्यार दिया, शाम नू तू किथे कीदे नाल हुन्ना आ, वेखियां मैं फोटोआं बेकार दिया, ओ आ हो, मेरा दिल जिया डरदा ए, दिल टुट ना जाए बेचारा, तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा, तेरे यार बथेरे ने, मेरा कदे मेनू फिल्मां दिखा दिया करे, कदे कदे मेनू भी कमा लिया करे, सारे साल विचों जे मैं रुसा एक बार, इना किता बनदा मना लिया करे, ओ हा ओ, एक पासे तू बबू, एक पासे है जग सारा, तेरे यार बथेरे ने, मेरा तेरे यार बथेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा। क्या बात है, क्या बात है, मतलब आई एम श्योर जितने भी सखियां ने जिन्होंने सुना होगा ये गाना, उनको तो बेहद पसंद आया, पर मैंने सुना कि अक्षय कुमार को भी बहुत ही ज्यादा उनको पसंद था सर। मैं उनको फिलहाल की शूट में मिला था, जो पहले वाला गाना हाँ। फिलहाल वन, तो उस टाइम खैरा जानी हम सभी सेट पे थे, तो उन्होंने मेरे को जब मिला ना उनको, उन्होंने मेरे को सखियां पूरा गा के सुनाया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने पूरा पंजाबी में गाया, उन्होंने कहा दे ये गाना मेरी फिल्म च आना चाहिए। ओहो, मैं कहा भाई थोड़ा ये तुसी जिथे मर्जी ले आओ, सो उनकी फिल्म में आया। सुपर डुपर सर, सुपर डुपर। तो गाना हैप्पी आर में हमारे साथ मनिंदर बुट्टर हैं, और अब जो हैं हम बहुत ही गजब का एक चीज करने जा रहे हैं जिसका नाम है गाना बोल। गाना बोल ये है कि आपके सामने बोल है और आप तो इसमें चिट्टे तो आपको ऐसे एक निकालना है बिना देख के, और इसके अंदर जो है वो पढ़ के उसका जवाब देना है बस। गाना बोल, देखते हैं। ये उन्होंने पहला निकाल दिया है, दो आगे, ये दो आगे, हाँ कोई बात नहीं, वो तो धीरे धीरे सबकी बारी आएगी। ओह बहुत लंबा सवाल है ये, आपके जो तमाम चाहने वाले हैं। नहीं सर वो ये वाला नहीं, हाँ हाँ। मनिंदर को गुस्सा क्यों आता है? हाँ सर, जब किसी भी चीज का इंतजार करना पड़े तो तब थोड़ा सा गुस्सा आता है, कि मैं टाइम का थोड़ा सा पाबंद हुआ, आज भी आपने देखा मैं टाइम पे आ गया, बिल्कुल। तो मुझे जब किसी चीज की वेट करनी पड़ती है मुझे गुस्सा आता है, जब कोई सीरियस नहीं लेता। ये बात जबरदस्त है सर, बाहर ही रख दो चिट, ठीक है सर। दूसरे का एक और, हाँ गाना बोल का दूसरा चिट, देखते हैं किस फैन के सवाल का नंबर लगता है। अगर टाइम ट्रेवल कर पाते तो कौन सी म्यूजिकल इरा में जाते? हाँ ये सबसे अच्छा इरा सर, ये वाला जो चल रहा है सबसे अच्छा, अगर मैं कर पाता तो फ्यूचर में जाता सर, पर पास में तो हमने सुना हुआ, सब देखा हुआ है, तब भी अच्छा हुआ, पर हमारे पंजाबी म्यूजिक का इरा सबसे बेस्ट ये चल रहा है, मेरे को ये पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। अज कल सोनिया कौन किसे लई मरदा है, जे तू राजी सजना साडा भी सरदा है, पल पल तेनू यास ताऊ कला जदो होएगा, सोने आ तू जिंदगी च किसे लई तरोएगा, उत्तों तू हसेगा दुख अंदरों लकोएगा, जिदा मैं रोई सी माही ओदा वे तू रोएगा, दिल मैं नहीं ओलाना माही वे आपा अड राहां दे, राही वे तू ता चौंदा सी सोनिया, आही वे दिल मैं नहीं ओ लाना
दिल मैं नौना माही वे आपा अडरा हां दे राही वे तू ता चौंदा सी सोनिया आही वे दिल मैं नौना माशाल्लाह मतलब इतने प्यार से मतलब जो भी गाना गाते हो ना एक तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होती है और एक वो अंदर से एक खुशी होती है ना वो मैं सच कह रहा हूँ मुझे देख के इतनी खुशी जो मुझे मिल रही है I'm sure आपके तमाम फैंस भी ये मेरी फेवरेट लाइन है आजकल सोने कौन किसे लिए मरता है वो फेवरेट लाइन है तभी चेहरे पे भी नूर अलग थी इसी बात पे एक और चिट निकाल लो सर गाना बोल चल रहा है देखते हैं मनिंदर क्या निकालते हैं जब रोड पर चलते वक्त कोई पहचान लेता है कि आप कौन हैं तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहता है अगर सर कोई पहचान ले तो अच्छी बात है तो अगर सही जगह है मैं सही जगह हूँ अपनी फैमिली के बिना हूँ अकेला हूँ अपने दोस्तों के साथ हूँ तो मैं फ़ोटो खिंचा लेता हूँ अगर कई ऐसी जगह हूँ कि फ़ोटो का पूछना ही नहीं बनता वहाँ पर तो वहाँ पर मना कर देता हूँ एक बार प्यार से बोल देता हूँ अगर फिर भी ना माने बोल देता हूँ कि साइड में आ जा खिंचा ले यार अच्छा एक सवाल है पर वो बोल में नहीं है वो ये है कि पहला ऑटोग्राफ किस उम्र पे साइन किया था याद है वो वाकया याद है सर ये मैं तब होऊंगा 17-18 का सर जो पहला गाना आया था बस तब किया था सर आवाज डाल रही थी जल्दी जल्दी आपने हाँ सर विद लव मनिंदर बुट्टर लिख के ओहो क्या बात है नीचे पंजाबी में लिख देता हूँ खुश रहो नहीं आज हम भी लिखवा के जाएंगे ऐसी बात नहीं सर अब एक गाना हो जाए फिर बाकी थोड़ा हाँ सा और थोड़ा सा बोल कर लेंगे तो अब क्या गाने का मन है सर मैं ना बहुत देर से लारे का पोस्टर देख रहा हूँ ना वहाँ पे लगा हुआ है तो मैंने सोचा कि एक बार लारे गाते हैं हाँ मैं कहूँ कि एक बार लारे तो बनता है मैं सब कुछ छड़ देता तेरे करके तेरे उतो सब कुछ वारी बैठिया तेनू पता ता है पर फिक्र नहीं तेरे लिए मैं यारा वे कवारी बैठिया यारी तेरी वे यारी जिसमा तक है सारी दी सारी यारी यारी तेरी वे यारी जिसमा तक है सारी दी सारी बेतका होना मेरे नाल है मैनू पता बस लारे आ वे तू व्याह नहीं कराना मेरे नाल मैनू पता बस लारे आ वे तू व्याह नहीं कराना मेरे नाल थैंक यू जी बहुत बढ़िया जी सर बहुत बढ़िया अच्छा ये फटाफट दो तीन सवाल हैं इसका हमने नाम रखा है बुटर बोनस तो पराठा या पिज्जा पराठा सर